मेरी लाइफ का एक फेज़ मुझे हमेशा याद रहेगा एलेवेंथ का फर्स्ट सेमेस्टर उस टाइम पे इतना रट्टा मारा था भैया मैंने इतना रट्टा मारा था कुछ पता नहीं था फिजिक्स क्या होता है कैसे उसको याद रखना है और फिर रट्टा मार के एग्ज़ाम देके आ गया था और फिर एग्ज़ाम के रिजल्ट ने बहुत ही अच्छे से मुझे मार लिया था और आज आपसे वही आइडियाज़ शेयर करने वाला हो जो मैंने दस साल में सीखे हैं सो आप भी दस साल को बचाना चाहते हो तो ये दस मिनट को पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा प्रूफ के साथ आपको डेमो दे के पहली बात तो अगर आप टाइटल देख के वीडियो को देखने आए हो तो आपके लिए एक खुश खबर है कि किसी भी एग्ज़ाम को चाहे नीट जे डब्ल्यू या यू क्यों ना हो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इतनी बड़ी बुक्स को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत होती नहीं है एंड दुनिया में प्रैक्टिकली किसी का भी ब्रेन इतना पावरफुल नहीं है कि इतनी बड़ी बुक्स की एक एक लाइन को याद रख सके इवन आपको ऑल इंडिया में रैंक वन लाना है फिर भी इतनी बड़ी बुक्स का सिर्फ 20 परसेंट याद रखने की आवश्यकता होती है यस yes, ओनली 20 परसेंट ऑफ दिस ह्यूज बुक हालांकि वो भी बहुत ही ज़्यादा है बट बुक की जो साइज़ है उसके कंपेयर में बहुत ही कम है और उसमें भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऐसी ऐसी इंसेंट ट्रिक्स सीखी है कि जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी रैंक टू से ऑल इंडिया में रैंक टू तक पहुँच पाया हूँ फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री या फिर सर्जरी मेडिसिन कोई भी सब्जेक्ट में इवन आप डायरेक्टली एम बुक्स भी पढ़ते हो तो भी ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपको डायरेक्टली हेल्प करेगी गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज डॉक्टर दर्शन पटेल अ सर्जरी रेजिडेंट एट एम्स जोधपुर आफ्टर कंप्लीटिंग माई डेली मॉर्निंग रूटीन आई वेंट इन द हॉस्पिटल एंड असिस्टेड अ केस ऑफ इसोफेज पेशेंट को खाने की नली का कैंसर था इसोफेजियल कैंसर इट्स अ वेरी लॉन्ग सर्जरी एंड टू कराउंड नाइन आवर्स टू कम्प्लीट आफ्टर दैट आई कैम बैक एट एट पी एम एंड स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट नाउ इतने हेक्टिक दिन के बाद पढ़ने की इच्छा नहीं होती है बट आप लोगों को सिखाना था ये मेथड तो उतना मोटिवेशन काफ़ी था मुझे पढ़ने के लिए आई डिडेंट हैव मच टाइम सो मैंने मेरो के नोट्स में से जनरल आइडिया लेना बेटर समझा एंड लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल दिस इज़ द टेबल विच इज़ गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक इट दो टाइप के कैंसर होते हैं एक होता है सेल कार्सिनोमा एक होता है एडिनो कार्सिनोमा अब ट्रेडिशनल रास्ते से 99% लोग इसको रट्टा मार के कुछ भी करके याद रखने का ट्राई करेंगे

आगे आपको मोस्ट कॉमन सिम्टम मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इतनी सारी चीज़ें आएगी जो रट्टा मार मार के थक जाओगे एंड चार दिन बाद सब कुछ अप हो जाएगा एंड ऐसे एक हज़ार टॉपिक्स एक सब्जेक्ट के रट्टा मारने के बाद किस टाइप का किसके साथ मिक्स हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा एंड आप हो जाओगे प्रस्ट्रेट फील हो रहा है कुछ यस ऐसे बरसों से हमारे साथ होता आया है बट जो टेक्निक मैं सिखाने वाला हूँ उसके बाद इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है एंड यही चीज़ की वजह से मैं नाइनटीन सब्जेक्ट्स के बड़े बड़े बुक्स को क्लियरली रिटर्न कर पाया था वो टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन एंड रियल लाइफ इंटीग्रेशन जो भी चीज़ आप पढ़ते हो चाहे फिजिक्स का इक्वेशन हो या फिर बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम हो सब कुछ रियल में एग्जिस्ट करता है एंड आज आपके सामने प्रूफ के साथ यही कॉम्प्लेक्स कार्सिनोमा कार्सिनोमाइसोफेगस के टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई करके दूंगा क्या लाइफ टाइम इसको याद रख पाओगे आई स्टार्टेड रीडिंग इट विध मेकिंग अ केस सैम्यूलेशन इन माई माइंड एंड विजुलाइजिंग होल टॉपिक इन माई माइंड आई एम अ सर्जन रनिंग अ रूटीन ओ पी डी एंड वन यंग इंडियन पेशेंट केम टू मी उनकी एज थर्टी ईयर्स थी एंड मैंने थोड़ा सीक्रेटली उनको पूछा तो पता चला कि वो स्मोकर एंड अल्कोहलिक भी है ना जब मैंने उनको पूछा कि क्या दिक्कत है तो उन्होंने बताया कि खाना निगलने में दिक्कत आ रही है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग विच इज़ फॉर लास्ट फोर मंथ्स एंड इंक्रीजिंग डे बाई डे पहले वो सिर्फ सॉलिड्स के लिए थी अब वो लिक्विड्स के लिए भी हो गई है सो माई माइंड स्टार्टेड थिंकिंग दैट दर मस्ट बी समथिंग विच इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द ल्यूमेन ऑफ द इसोपेगस एंड उसकी साइज़ बढ़ रही है तभी धीरे धीरे डिफिकल्टी भी बढ़ रही है एंड अब मुझे थोड़ा आइडिया आ रहा था कि ये इसोपेगस में ग्रोथ हो सकता है जो कि मोस्ट लाइकली मेलिग्नेंट होगा रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए मेलिग्नेंट यानी कि कैंसरस ये सब सोचते सोचते मैंने उनके वाइटल्स भी देख लिए कि कोई रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी या फिर फीवर ऐसा कुछ हो तो मुझे पता चले कि मुझे कितना क्विक डिसीजन लेना है वो बिल्कुल ठीक थे सो आई गॉट सम वॉट रिलीवड एंड अब मैं उनके मुंह में घुस के तो देख नहीं सकता था सो so अब एक इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा उनका दैट इज़ एंडोस्कॉपी मुंह से दूरबीन डाल के अंदर जाके देखेंगे कि वास्तव में क्या चीज़ है जो ब्लॉक कर रही है रास्ते को उसी टाइम पर साथ में एक बायोप्सी भी ले लेंगे अंदर जाके देख ही रहे भैया तो क्यों ना एक टुकड़ा ले ले जांच के लिए बार बार क्यों पेशेंट को परेशान करेंगे भैया जब साथ में ही एक साथ हो रहा है सब कुछ सो so बेसिकली मेरे पास सी टी एम आर आई सबका ऑप्शन होने के बावजूद मैंने एंडोस्कोपी ही क्यों करवाया बिकॉज वॉट आई नो इज़ एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कार्सिनोमा इसोफेगस एंड आई डीड द सेम विजुअलाइजेशन इन माई माइंड सो इट विल गो इन वन कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन एंड स्टे देयर फॉर लाइफ टाइम पेशेंट एंडोस्कोपी करवा के वापस आया उसमें लिखा है कि ईसोफेगस के मिड पार्ट में एक पाँच सेंटीमीटर लंबा ग्रोथ है जो कि उसे ब्लॉक कर रखा है आई एम इमेजिनिंग मिड पार्ट बिकॉज इट इज़ वाट मोस्ट कॉमन इन द सेल कार्सिनोमा एंड ऑल्सो इन द इंडियन पॉपुलेशन एंड दिज टू की वर्ड्स इफ आई फाइंड इन एम सी क्यू डेफिनेटली माई आंसर वुड गो टू वर्ड्स मिड पार्ट और स्क्मर सेल कार्सिनोमा और इंडियन पॉपुलेशन जो भी हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं थोड़े दिन बाद उसकी बाइप्स भी आ गई जिसमें आया मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड स्कोमस सेल कार्सिनोमा अब मैं श्योर हो गया कि यह इसोफेगस का कैंसर है ना मेरा प्लान रहेगा इस कैंसर को ऑपरेशन करके निकाल देना लेकिन उसके पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि यह ऑपरेशन के लायक है भी या नहीं अगर आसपास में फैल गया है तो मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता एंड पहले मुझे कीमो या रेडियोथेरापी देकर उसे छोटा करना पड़ेगा फिर ही मैं उसको निकाल सकता हूँ सो अब मेरे दिमाग में एक थाट आया कि क्यों ना सी स्कैन या फिर पेट स्कैन करवा के देख लिया जाए जो कि मैंने उसको एडवाइस किया क्योंकि पेट स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द स्टेजिंग ऑफ द कैंसर अब वो पेट स्कैन करवा के उसका रिपोर्ट लेके आया जिसमें लिखा था कि ट्यूमर ने सिरोजा को इन्वेट कर दिया है मीन्स कि इट इज़ एडवांस्ड ट्यूमर अकॉर्डिंग टू द स्टेजिंग नाउ स्टेजिंग एंड अदर सम फैक्चुअल चीज़ें भी मैं अलग अलग ऐसे केसेस बना के इजिली याद रख सकता हूँ एंड आई हैव मैनी अदर मैथड्स टू रिमेंबर इट विल टेल यू लेटर ऑन सो अब मैं उनको ऑपरेट नहीं कर सकता था मैंने उनको भेजा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी देना अकॉर्डिंग टू द स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर उन्होंने डिसाइड किया कीमोथेरापी देने का एंड मैंने ऐसा ही पूछा कि कौन सा ड्रग दोगे आप तो उन्होंने मुझे बताया कि हम दो ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे कार्बोप्लेटिन एंड फाइव फ्लोरोसिल सब मुझे याद रह गया कि अच्छा मेरे पास ऐसा कार्सिनोमा एसोफिकस का पेशेंट आया था एंड उनको नियर न्यूअर्जुन कीमोथेरापी के लिए ये दो ड्रग्स दिए गए थे नाउ आफ्टर थ्री साइकिल्स ऑफ कीमोथेरापी पेशेंट कैम बैक टू मी अगेन आफ्टर वन मंथ अब मुझे पता करना है कि उसके साइज़ में डिफरेंस आया कि नहीं सो so, अब मैं क्या करवाऊँगा फिर से उनका सि स्कैन करवाऊँगा सिटी में आया कि उसकी साइज़ कम हो गई है वो थोड़ा छोटा हो गया है जो कि रिसेक्टेबल हो सकता है सो so, मैंने पेशेंट को सर्जरी के लिए एक्सप्लेन किया एंड वार्ड में एडमिट कर दिया मैंने और मेरी टीम ने डिस्कस करके मैं की वन करने का डिसीजन लिया बिकॉज ट्यूमर मिड पार्ट में है उसमें हम पहले थोरक्स में जाके मिड इसोफेगस को सेपरेट करते हैं फिर एब्डोमेन यानी कि पेट को ओपन करके लोअर इसोफेगस को सेपरेट करते हैं आसपास के स्ट्रक्चर से एंड देन नेक से ओपन करके इसोफेगस को नेक से काट के नीचे स्टमक से भी काट के पूरा का पूरा पार्ट को बाहर निकाल देते हैं एंड लास्ट में स्टमक का बचा हुआ पार्ट को ऊपर खींच के जो इसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट था उसके साथ जोड़ देते हैं दैट्स इट अब पाँच सेंटीमीटर के ग्रोथ के लिए इतना लंबा ऑपरेशन क्यों तो भैया कार्सिनोमा इसोफेगस में अप्रॉक्सिमली टेन सेंटीमीटर एंड डिस्टली फाइव सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना कंपलसरी है सो so, ओनली हमने उतना पार्ट काट दिया पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली आई में रहना पड़ा दो दिन एंड उस टाइम थोड़ा लंग एटेलेक्ट्रेसिस की वजह से चेस्ट खराब हुआ उसका जो कि चेस्ट फिजियोथेरापी एंड इंसेंटिव स्पायरोमीट्रिक से इंप्रूव हो गया सो लंग एटेलेक्ट्रेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन फॉलोइंग एसोफेजेक्टोमी ऐसे दस पेशेंट में ऑपरेट करता हूँ तो दो तीन पेशेंट को एनास्टोमोटिक साइट जो है जहाँ पे मैंने दो पार्ट को जोड़ा है वो खुल जाने की वजह से वहाँ से लीक भी हो सकता है एंड वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब बात है एंड उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी आफ्टर इसोफिजेक्टोमी इज एनास्टोमोटिक लिक नाउ माई पेशेंट इज एब्सोल्यूटली वेल एंड आफ्टर प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर आई एम डिस्चार्जिंग माई पेशेंट नाउ अगेन आफ्टर टू डेज ऑफ इट मैं ओपीडी में बैठा था and again the like american obese lady came to me with same complaints but this time obviously i know much about the topic i thought this can be an adenocarcinoma and i went with the same protocol of endoscopy and biopsy and it showed adenocarcinoma of lower esophagus i have imagined this scenario this time because in the western obese patients adenocarcinoma of the lower esophagus is most common scenario this is how i remember whole topic फॉर लाइफ टाइम इन जस्ट फिफ्टीन मिनट्स विदाउट एनी लार्ज बुक्स एंड ड्यूरिंग माई फर्स्ट टाइम रीडिंग्स ऑनली नाउ जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस होल सिनारी आफ्टर फाइव डेज एंड आई बेट अगर आपने ठीक से जस्ट एक बार भी देखा है तो नाइन्टी परसेंट से भी ज्यादा आपको याद आएगा एंड मैंने तो आपको रियल सेंस बताए आपको तो जस्ट इमेजिन करना है कि आप एज अ डॉक्टर या साइंटिस्ट या इंजीनियर बनकर बैठे हो एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है वर्क प्लेस पर जो कि आपकी बुक में लिखी है फॉर रियलिस्टिक इमेजिनेशन आप गूगल सर्च करके इमेज़ भी देख सकते हो दैट इमेजिनेशन विल लिटरली पम्प योर मेमोरी रिटेंशन बाय टू हंड्रेड परसेंट कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक सब कुछ आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो एंड मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स है कितनी भी डिफिकल्ट चीज़ क्यों ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही वसम awesome या यूनिक टेक्निक्स के लिए जो आपको और कोई नहीं बताएगा माइंड सेट कॉन्फिडेंस पॉजिटिविटी तो जरूरी है ही बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बुक्स में दिया हुआ याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में भैया वही पूछेंगे ना कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर एंड बोरिंग पढ़ाई को हटाने के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मेथड्स मैंने बनाई थी एंड आप भी यूज़ करके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो एंड यस पढ़ाई के साथ अगर उससे भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है माइंड कि आप भी टॉप कर सकते हो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो आई नो आपको उसकी फील ही नहीं आती है डर लगता है कि मैं तो कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो उसका माइंड ब्लोइंग रास्ता मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है वरना ये वीडियो देखो जिसमें ऐसी ही एक और स्मार्ट टिप दी है एंड बताया है कि टॉप रैंक लाने के लिए सब कुछ पढ़ने की या फिर याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ